What's up, guys? Welcome back to another vlog. So it's day 3 and finally I'm traveling back to Delhi. So it's almost 450 km ride from Almora to my home, Noida. So it will be at least 10 hours of ride. So let's see how soon I'll hit the road. The target is I'll reach Noida by 5 p.m. only. So let's see how soon I'll reach. First time I'm using this. Now I just connected my this console with the mobile and just trying to use this navigation. I hope it works flawlessly and would be so effective. Acceleration में कोई कमी नहीं है, बस निंजा जा रही है. ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में उतनी पावर नहीं है आगे. निंजा इज मतलब रनिंग लाइक एनीथिंग कंपनी की जा रही है उसको भी, बट स्टिल मतलब जो है ये उस हिसाब से पावर डिलीवरी इज अमेजिंग. जैसे प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, देखो बाकी जो सुपर बाइक्स हैं वो निकल गई हैं, अब मेरे को उनको पकड़ने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम विद दिस बाइक, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप सुपर बाइकर्स के साथ राइड कर रहे हो बाइक को लेके, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम कि आपको पकड़ने के लिए यू नीड टू स्ट्रगल अ लॉट, तो आपको भगानी पड़ेगी नेसेसरी. इट इज नॉट दैट रिक्वायर्ड. आ गया काम ऑफ रोडिंग का भी. फाइनली दिल्ली के छपरी राइडर्स मिल गए. मतलब कैसे करते हैं लोग. एक से बढ़कर एक छपरी है सारे. फिर तो कहाँ मर्जी वहाँ घुसेंगे, जो मर्जी वो करेंगे. आई सिंक माई यूट्यूब म्यूजिक विद दिस टी एफ टी एंड आई कैन ऑपरेट फॉरवर्ड पॉज राइट फ्रॉम द जॉयस्टिक. कोई गाना फॉरवर्ड करना है सब कुछ कर सकता हूँ मैं. और मेरा सीना मोबाइल से कनेक्टेड है तो जो सॉन्ग्स हैं वो हेलमेट में प्ले हो रहे हैं और यहाँ से मैं फॉरवर्ड वर्कर कंट्रोल कर सकता हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग. मतलब यूट्यूब म्यूजिक मेरा इज सिंक विद माई एंड फील का डिस्प्ले, वेरी गुड. इवन आई कैन ऑपरेट, आई कैन डू फॉरवर्ड पॉज लास्ट सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग. इट्स अ गुड थिंग. लोग काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बोला स्पॉटिफाई चलता है, बट माई दिस यूट्यूब म्यूजिक इज ऑल्सो सिंक्ड. अनदर गुड पार्ट इज कि आई कैन हियर दिस मैप का जो भी रूट है लेफ्ट राइट इन माई हेलमेट. सो इट्स अ कम्प्लीट सेटअप. आई हैड अ डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन हियर एवरीथिंग इन माई हेलमेट एंड आई कैन ऑपरेट विद अ जॉयस्टिक ऑफ अ बाइक एंड आई डोंट नीड टू टच माई मोबाइल, नीदर आई वॉन्ट टू कीप ऑन अ फोन माउंट. सो इट्स अ गुड थिंग. जो यू टर्न के लिए बोल रही है कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट हमें इस रस्ते से जाना है. इट इज़ 3 मिनट स्लोअर, बट ये श्योरिटी है कि यहाँ जैम नहीं मिलेगा, बिकॉज अदरवाइज नैनीताल के अंदर से जाने में तो वी आर 100% श्योर कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है. और पुलिस ने 5 मिनट के लिए रोक लिया तो वही टाइम वेस्ट कर देगी. देखो लिखा भी आदत जल्दी दिसांज का सॉन्ग सुन रहा हूँ, वो भी इसमें लिखा हुआ आ रहा है. बैठ दी भीमताल. वाह लुक एट दिस. That's the lake. See, wow, beautiful. That's my bike. Finally hit Kathgodam. Last time जब आए थे तो उस टाइम में कंस्ट्रक्ट हो रहा था ब्रिज. उससे पहले जब वो पानी वानी आया था तो सब बह गया था ये. दिस इज द न्यू वन विच हैज बीन
कंस्ट्रक्टेड ओवर द नाइट. पहले सिर्फ वो लेफ्ट वाला हुआ करता था. बट चलो अब नो मोर हिल्स, प्लेन्स हैं. बट ठीक है, 277 दिल्ली, तो माय होम इज बिफोर 277, तो यानी कि 240 किलोमीटर मोर टू गो. 4 से 5 घंटे में वी विल होम. काठगोदाम इज दी लास्ट रेलवे स्टेशन ऑल्सो. अगर कोई ट्रेन से इधर आना चाहता है तो काठगोदाम से फिर उसको बस या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेके आगे जाना पड़ेगा. दिस दी लास्ट रेलवे स्टेशन प्रॉपर जहाँ तक रेल्स आती हैं. ट्रेन्स में आके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब हिल्स में आ गए हैं. पोजिट यहाँ ज़्यादा ठंड है, फॉग है और देर इज नो सन. और वहाँ ऊपर जाए सूरज भी निकला हुआ था, गर्मी भी लग रही थी और एवरीथिंग इज देयर. आई डोंट नो क्या हो रहा है बट एवरीथिंग इज गोइंग अनदर वे. वी जस्ट हैड अ लंच एट दिस पंजाबी हांडी, नाउ वी आर पुशिंग बैक. तो यहाँ से टाइम दिखा रहा है अराउंड 4.5 आवर्स. सो लेट्स गो. वापस जाते समय बड़ा टायरिंग हो जाता है बट ठीक है, इन एनी वेज जाना तो है ही. चलो 4:37 अगर बोल रहा है गूगल तो एटलीस्ट 5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे. ठीक जाएंगे सीरियसली. अब यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो रही रोड, इससे निकल रहा हूँ साइड से. तो ये थी तो निकल गया फैट भाई, अभी तो यहीं पे रो रहा था कहीं बैठ के मैं. एंटी नैनीताल से आते तो ये नहीं मिलता, ये जो मतलब है ना, दिस इज सो डिस्टर्बिंग. चार किलोमीटर का जाम लगा हुआ है. मैं कहता हूँ गौरव और बाकी लोग तो पीछे रह गए होंगे. सॉरी तब चलो, मैंने तो बीट कर दिया ट्रैफिक फाइनली. इतना ट्रैफिक वहां जा रहा है, वहां पे जगह ही नहीं निकलने की, कैसे जाएंगे. आई डोंट नो.